सो गाइज़, ये वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे YouTube जर्नी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आएगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, आज आ गई हूँ आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए। यस गाइज, थैंक यू बोलने के लिए। अब आप सोचोगे कि अचानक से थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत आ गई, और क्या ऐसी चीज़ है जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। गाइज, ये वीडियो में मैं आपको आज मैंने जो भी वीडियोज़ अभी तक ट्रैवल रिलेटेड बनाई है या अपने घर से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड बनाई है, जो भी वीडियोज़ बनाई है गाइज, उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत कम देखा है। आपने मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनी है, और जो मैंने अपनी स्टोरी आपको बताई है, आप लोगों के साथ शेयर किया है अपने वीडियोस के थ्रू, आपने वो देखा है। बट आज मुझे लगा कि अभी मुझे आपके सामने आना चाहिए थैंक यू बोलने के लिए। और ये थैंक यू मैं क्यों बोलने वाली हूँ और ऐसी क्या रीज़न है, गाइज, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ पहले तो, और ये थैंक यू किस लिए था। मेरा यूट्यूब चैनल गाइज 1 ईयर में ही मोनेटाइज हो गया। यस गाइज, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती, मैं अगर कहूँ तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये मेरे भगवान जी के वजह से, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग की वजह से, मेरे हार्डवर्क और डेडिकेशन और आपके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा YouTube चैनल अंजलि फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड मोनेटाइज हुआ। और यस गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। मैं थोड़ा आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं बाई प्रोफेशन एक सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रूमिंग ट्रेनर हूँ। मैंने अपना इंस्टीट्यूट रन किया था। खैर, अपनी स्टोरी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं आपको पूरी डिटेल उसके बारे में बताऊँ क्या करती हूँ मैं एग्जैक्टली उसके बारे में। तो मेरा दूसरा प्रोफेशन है ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। यस गाइज, मैं बाय प्रोफेशन एक फुल, मतलब टाइम आप कह सकते हो, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। एंड 1 साल पहले मैंने ठीक अगस्त में ही अपना, आई थिंक अगस्त या जुलाई एंड ऐसा कुछ रहा होगा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और बताना चाहूँगी कि एक ब्राइड है, ठीक है, जिसके पास मैं शायद जुलाई में गई थी, मतलब जनवरी में गई थी, सॉरी 2022 में। तो वहाँ पे मैंने उसको देखा था कि वो अपने एप्पल से, ब्राइट की जो कज़न थी वो वीडियो बना रही थी, ठीक है। तो शी टोल्ड मी फर्स्ट अबाउट यूट्यूब। मुझे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं सिर्फ वीडियो देखने के लिए देखती थी। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग होती है, यूट्यूब से क्या होता है नहीं होता है। आई वॉज हैविंग जीरो नॉलेज अबाउट इट। मैं लोगों को इतना कुछ सिखाती थी बट यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ फ्रेंकली नहीं पता था। तो उसने बोला कि दीदी, आपके पास भी तो आईफोन है और आप ब्राइडल मेकअप इतना अच्छा करते हो, इतना कुछ है आपके अंदर, और भी दो चीज, मतलब दो आपके प्रोफेशन है वो आप करते हो, तो आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। तो उसकी वो बात मुझे बहुत टच की और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस गाइस, मैं हर चीज़ अपने स्टूडियो पे करती हूँ, या फिर लोगों को ट्रेनिंग देना, ये करना, ऑनलाइन मैं कभी भी नहीं गई, ठीक है। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म को मैंने यूज़ नहीं किया। मुझे ये भी तक नहीं नॉलेज था कि कैमरा कैसे फेस करे, वीडियो कैसे बनाए, कैमरा में कैसे देख के बात किया जाता, मतलब कैमरा कॉन्शियस पर्सन हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं आती, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सही कह रही है बंदी, मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया। क्योंकि एक होता है ना कि आइडिया अगर आपको किसी से भी मिले, किसी से भी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी एज का आदमी क्यों ना हो, चाहे आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, राइट, तो आपको अगर एक सही आइडिया ना किसी से भी मिले, आपको वो लेना चाहिए, आपको वो अब्जॉर्ब करना चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये बहुत सही बात बोल रही है, मुझे खोलना है अपना एक चैनल। तो मैंने अपना एक और चैनल खोला ब्यूटी रिलेटेड, ठीक है, पर मैं उसमें उतना एक्टिव नहीं हूँ। फिर मैंने जुलाई में, जो मेरा बचपन का पैशन है, मैं सोची कि ब्यूटी तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ वहाँ, मेरे खुद के स्टूडियो पे, तो ये सब तो मैं करती हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा चैनल है जो मुझे ब्यूटी या फिर पढ़ाई लिखाई या जो मेरा जो काम है प्रोफेशनली, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब को छोड़ के मुझे क्या पसंद आता है, ऐसा क्या चीज़ है जो मैं बचपन में छोटे से लेके बड़ी हुई हूँ उस चीज़ को करते हुए, या ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको मैं अगले 5 साल तक करना चाहूँगी। क्योंकि YouTube में जब भी आप आते हो ना, तो आपको एटलीस्ट
एक दो साल का प्लान तो नहीं बल्कि 5 साल का, लोग कहते हैं ना एक दो साल का प्लान बना के यूट्यूब में आना होगा, एक दो साल नहीं, आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स प्लान लेकर यूट्यूब में आना चाहिए। बिकॉज आप अगर एक दो साल तक कोई चीज़ ट्राई किए वो वर्क नहीं किया, आपका इंटरेस्ट यूट्यूब से खोना नहीं चाहिए, आपको यूट्यूब से अपना दिल नहीं हटाना है, आपको अपने चैनल से अपना दिल हटा करना है कि ये नहीं तो दूसरा करना। मतलब यूट्यूब तो एक मीडियम है जिससे आप अलग अलग वीडियोज़ बनाते हो, आते हो, सबके सामने फेस करते हो लोगों को, तो आपका जो पैशन है वो यूट्यूब मेकिंग, वीडियो मेकिंग, ये सारी चीज़ में आपका ये पैशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा एक लंबा पैशन आपको चूज़ करना है, एक ऐसा पैशन जो आप हमेशा वीडियो बनाओ, जो भी बनाओ, भले आपको आता हो नहीं आता हो, लेकिन एटलीस्ट आपको हर दिन ये इंस्पिरेशन मिले, या महीने में 10 बार भी आपको ये इंस्पिरेशन मिले कि चलो 10 वीडियो अपलोड करना है, या 12 करना है, या 16 करना है, या जितना आपने अपना टारगेट किया, या हर दिन करना है। तो मैंने बहुत रियलाइज़ किया, खुद को सोचा कि मुझे क्या ब्लॉग पसंद है। मुझे एक्चुअली पर्सनली, मैं वैसी पर्सन हूँ, थोड़ा कैमरा शाय पर्सन थी मैं 1 साल पहले, और भी ज़्यादा, अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे बात कर पा रही हूँ कॉन्फिडेंटली। 1 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप मेरे पहली वीडियो देखोगे आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा देखकर। तो मुझे ये फीलिंग आया कि क्या बनाऊँ, ऐसा क्या बना दूँ जिससे मैं एटलीस्ट 5 साल तक बोर ना हूँ, या फिर वो मेरा पैशन बन जाए, या तो मैं उसमें हर डे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अभी कोई बहुत फाड़ू एडिटिंग करती हूँ लाइक अदर ट्रैवल ब्लॉगर्स, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, आई एम इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो मुझे ये लगा कि ऐसा क्या करूँ जिसमें मज़ा भी आए, सुकून मिले, लर्निंग भी होती रहे, और कल को अगर कुछ प्रोफेशन नहीं करने का मन हो तो यूट्यूब को शायद अगले 5 साल में फुल टाइम प्रोफेशन बना लूँ, राइट। तो यही सोच कर, समझ कर, दिमाग लगा कर मुझे ख्याल आया कि मुझे डेली ब्लॉगिंग करना मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे यही लगा कि डेली मैं क्या कर रही हूँ, कैसी एक्टिविटी, बिकॉज मेरा कोई प्लान्ड लाइफ नहीं है। आज मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ तो कल मैं ब्राइडल मेकअप कर रही हूँगी, परसों मैं किसी और को फिर ट्रेन कर रही हूँगी, तरसों मैं फिर से यूट्यूब कर रही हूँगी, तो मेरा कोई प्लान्ड एक लाइफ साइकिल नहीं है। और डेली ब्लॉगिंग के लिए आप लोग को भी पता है कि एक फैमिली का फुल वीडियो दिखाना होता है, या फिर आपको अपने पेट्स दिखाने होते हैं, अगर या फिर आपको एक बच्चा, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप डेली ब्लॉगिंग खुद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है शोमिल, ही इज़ इनटू डिफरेंट फुल टाइम जॉब, ठीक है, तो वो भी अगर हमेशा वो अवेलेबल नहीं है तो डेली ब्लॉगिंग नहीं हो सकती, राइट। फैक्ट है ये, जो भी डेली ब्लॉगर्स बनाते हैं उन सबको ये बात पता है। तो वो मुझे लगा वो मेरे लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। तो मुझे लगा कि मेरा सबसे बड़ा पैशन गाइस है ट्रैवल को लेके। यस गाइस, ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई लव द मोस्ट। मतलब अगर मेरे पापा मम्मी से ही मेरे अंदर ये चीज़ आया है, एंड कॉन्स्टेंटली हस्बैंड भी वैसा मिला जो कि मेरे तरह ही ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मुझे ये फीलिंग आया, मतलब पेरेंट्स, जब मैं छोटी थी ना तो हमेशा पापा को, जब भी साल में 2 से 3 बार पापा मम्मी मुझे बाहर लेके चले जाते थे, क्योंकि उनको खुद को घूमना बहुत पसंद है, और उनको बेटी भी ऐसी मिली जिस जो घूमने को लेके इतनी पैशनेट है। तो ऐसा कोई भी, मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने हिमाचल प्रदेश में, बहुत कम ही ऐसी जगह होगी जो मैंने ट्रैवल नहीं किया है बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ। तो मुझे वो मेमोरीज याद आई। मैं दार्जिलिंग कम से कम 10 से 12 बार जा चुकी हूँ, गैंगटॉक भी 13-14 बार हो चुका है। जब हम, मेरे को और मेरे पेरेंट्स को कोई टाइम नहीं मिलता था, कॉलेज था, स्कूल था, मेरा पढ़ाई था, मेरा बिजनेस था, तो ये सारे फेजेस ऑफ माय लाइफ में जब हमें टाइम नहीं मिलता था तो मैं पापा को जिद करती कि पापा प्लीज़ एटलीस्ट कुछ नहीं हो रहा है तो चलो दार्जिलिंग ही निकल चलते, 3-4 दिन में आ जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा तो गैंगटॉक ही चले जाए। तो मेरे लिए गैंगटॉक और दार्जिलिंग जैसे लगा कि ये मेरा घर है, कि जब भी टाइम मिला, नहीं मिला, किसी साल घूमना नहीं हो पाया तो यहीं चले जाए। तो ऐसे 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 करते करते मेरा जो बचपन पूरा बीता है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है विथ माय पेरेंट्स, एंड शादी के बाद आई एम डूइंग इट विथ माय हस्बैंड। तो ये चीज़ मुझे डेवलप हुआ कि ये चीज़ से मुझे प्यार है, ये चीज़ मतलब मुझे हमेशा इंस्पायर करती है। हाँ, भले ही मैं एक अच्छी, बहुत ज़्यादा महान एडिटर अभी तक नहीं बन पाई हूँ, क्योंकि मेरे को ये सब नहीं आता था, ठीक है। मैंने ट्रैवल को सिर्फ इंजॉय करने के लिए किया है आज तक, कभी भी ट्रैवल को ये नहीं सोचा कि ट्रैवल एक प्रोफेशन बन सकता है, या ट्रैवल एक ऐसा चीज़ बन सकता है जिसमें मेरे को मज़ा आने लगे, या फिर इसे करियर ऑप्शन की तरह, तो मैंने कभी लाइफ में ही नहीं सोचा था। मुझे लग रहा हम घूमते हैं बस इन्जॉयमेंट के लिए, और क्योंकि मैं पहाड़ को बहुत पसंद करती हूँ, माउंटेन लवर हूँ, सी और माउंटेन में मैं हमेशा माउंटेन को चुनती हूँ। तो मुझे ये डेवलप होना शुरू हो गया मेरे अंदर कि यार ये मेरा पैशन है, ये मेरा लव है, ये मेरा शायद पहला प्यार हो गया। मतलब मुझे ट्रैवलिंग से हमेशा से उस तरीके का लगाव था कि अगर मैं ट्रैवल नहीं करने जा पा रही हूँ पेरेंट्स के साथ किसी भी कारण, तो मेरा मूड ऑफ होने लगता है, मैं चिड़चिड़ाने लगती हूँ, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है।
तो मुझे धीरे धीरे ये अपने पर्सनैलिटी में समझ में आया कि मैं यार यहाँ वहाँ सोच रही हूँ कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ यूट्यूब पर। मैं तो खुद अपने लाइफ के ऊपर कंटेंट बना सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरी ज़िंदगी है, ट्रैवल इज़ माई बेसिकली लाइफ, और मैं इतनी बड़ी ट्रैवल लवर हूँ। तो मैंने क्यों नहीं यहाँ ध्यान दिया, क्योंकि मेरी फोटोग्राफी इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे फोटोग्राफिक स्किल्स नहीं पता था, थंबनेल नहीं पता था, वीडियो एडिटिंग नहीं पता था, एकदम नए फ्रेश यूट्यूबर्स जिनको ये सब आइडिया नहीं होता है। बट एक साल के जर्नी के अंदर गाइज आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा ये जो जर्नी है, इस जर्नी में मोनेटाइजेशन हो गया। एंड गाइज यस, मोनेटाइजेशन ही सिर्फ नहीं हुआ, मुझे मेरी फर्स्ट पेमेंट भी रिसीव हुई है। पर ये फर्स्ट पेमेंट वाला जो टॉपिक है कि कैसे मिला, कितना टाइम लगा, कितना दिन में वॉचेस कंप्लीट हुए, कैसे हुआ, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं आपके साथ एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी, फुल वीडियो डिटेल में, तो आपको उसमें बताऊंगी कि कितना पेमेंट आया फर्स्ट, और अब मुझे मेरा सेकंड पेमेंट भी मिलने वाला है। फर्स्ट पेमेंट कब आया था, क्या प्रोसेस था, कैसा जर्नी रहा है मेरा, कैसा अप एंड डाउन वाला या क्या था नहीं था, सबको बताऊंगी, ताकि जितने मेरे जैसे नए यूट्यूबर्स हैं उन सबको ये कॉन्फिडेंस मिले, उन सबको भी ये फीलिंग आए कि यार अंजलि कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो गाइज़ जहाँ पे मैं अपने अपनी बात को छोड़ा था पीछे, वहाँ थोड़ा जाते हैं, तो मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि यार ट्रैवल इज़ माई पैशन एंड आई शुड कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ ऑन ट्रैवल। भले मुझे कुछ नहीं आता, भले मुझे कैमरा फेस करना नहीं आता, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट मैंने देखा है सबको, मैंने 3-4 बड़े यूट्यूबर्स को देखना चालू किया, जिससे मेरे अंदर ये फीलिंग आना शुरू हुआ ट्रैवल ब्लॉग्स को लेके। बट मैंने पूरा लॉकडाउन, क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए मैंने लॉकडाउन में वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो शायद 2 साल पहले से मैं इसके ऊपर लग चुकी होती। बट मुझे जो होता ना कि इट्स डेस्टिनी, इट्स लाइक ये अचानक से ही होता है, मुझे किसी ने लॉकडाउन में नहीं बताया, तो मैंने लॉकडाउन में ये सब नहीं किया, मैंने पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल मेकअप वाले एरिया पे ही फोकस किया। मैंने सेल्फ जो इम्प्रूवमेंट विद अंजलि मेरा और एक यूट्यूब चैनल था वो भी मैंने खोला, लेकिन लास्ट 6 मंथ से मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ, उसकी भी स्टोरी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी अपने उस चैनल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि में, तो वो वीडियो मैं वहाँ बनाऊँगी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है ना कि कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बहुत अनप्लान्ड होती है, और आप उसको प्लानिंग के साथ जितना भी ज़िंदगी में प्लान कर लो नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ बस डेस्टिनी होती है कि शायद भगवान आपको हाथ खींच के उस प्रोफेशन में लाने वाले होते हैं। तो यही मेरे साथ ठीक हुआ, इसी तरीके की चीज़। पर मैंने अभी जैसे मैंने सोचा ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि अब मेरे 5000 सब्सक्राइबर ख़त्म होने वाले हैं, तो हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है, और एक ऐसे यंग यू मतलब एकदम फ्रेश यूट्यूबर के लिए जिसको मतलब कुछ नहीं पता बेसिकली, मैं बार बार इस बात पर फोकस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारे न्यू यंग यूट्यूबर्स जो छोड़ देते हैं, जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको ये उम्मीद देना चाहती हूँ कि आप भी आइए यूट्यूब पे, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हाँ, मैंने कोई बहुत बड़ा ग्रोथ अचीव नहीं कर लिया, लेकिन मेरे लिए ये ग्रोथ बड़ा है क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से थी जिसको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, किसी के कहने पर मैंने यूट्यूब चालू किया था, वो भी ब्राइड की कज़न जो है उसके कहने पर, जबकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानती थी, बट होता ना कि शी केम लाइक एन एंजल इन माई लाइफ, जिसने बस 2 चीज़ मुझे बोला एंड मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखा और इसके बारे में मैंने रिसर्च किया और सारा चीज़ जो कुछ किया जैसे भी किया खुद से करते आ रही हूँ, खुद से एडिटिंग, अच्छा बुरा नहीं पता वो आप लोग जानते हो, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग हार्ड एंड हार्डर इन फैक्ट कि जितना हो सके मैं अच्छा करूँ, आप लोग की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग रहेगी तो और ज़्यादा सक्सीड करूँगी। एंड गाइज, आपके साथ मेरा जो होटल वाला वीडियोस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा ये जो शौक था ये नेचुरली डेवलप हुआ, क्योंकि मैं होटल को लेके थोड़ी पर्टिकुलर हूँ, जहाँ पे भी घूमने जाती हूँ हमेशा वॉशरूम और होटल और बेड मुझे अच्छे चाहिए होते, तो वहाँ से ये वाली चीज़ डेवलप हुई और मैं वैसे वैसे वीडियोज़ भी आपके साथ काफ़ी शेयर करती हूँ जो आप लोग बहुत पसंद करते हो। तो गाइज़, आई होप आपको जो मैंने आज फेस टू फेस थैंक यू के लिए ये वीडियो बनाया, आप उस थैंक यू को एक्सेप्ट करेंगे, मुझे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँचाएंगे एंड मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँ। और इसी वीडियो के लिंक के नीचे मैं आपको अपने 2 चैनल जो मैंने बताया सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि, उसका लिंक भी यहीं पर दे दूँगी, ताकि अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग या बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग की शिकायत है या ये सब कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम से आप भुगत रहे हो और झेल रहे हो अपने लाइफ में करेंटली,
तो आप उसको देख के भी शेयर करके और ज़्यादा लोगों तक शेयर करो उस वीडियो को भी और उससे सीख पाओ। एंड गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत जल्द देख के आऊँगी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट क्या थी, सेकेंड पेमेंट क्या होने वाली, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन टू माई YouTube फैमिली। बाय बाय।